महमूदाबाद सीतापुर ने सितंबर 2019 पीआरवी पुलिस ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बचाई युवक की जान। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर की कोतवाली महमूदाबाद के क्षेत्र में आने वाले गांव सेखवापुर का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पर किसी बात को लेकर हसी पुत्र यूनुस उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी ग्राम समसेरी पुड़वा थाना घुंघटर जिला बाराबंकी को सेखवापुर गांव में सैकड़ों लोगों ने मिलकर मारने लगे। इसकी सूचना गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा डायल 100 को दी। सूचना पाते ही डायल 100 PRV UP-32-G-1786 इनोवा मौके पर पहुंची और हसीब को अपने कब्जे में लेकर CHC महमूदाबाद लाने के लिए तो गाड़ी में जैसे बिठाया, फिर क्या था, भीड़ उग्र होकर इनोवा गाड़ी पर लाठी डंडे बरसाने लगी, जिससे गाड़ी का पिछला शीशा क्षतिग्रस्त हो गया, साथ इसके गाड़ी की बॉडी का भी नुकसान हो गया। जब इस गांव वालों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो पीआरवी के सिपाहियों से हाथापाई पर उतर आए, जिससे पीआरवी सिपाही रविकांत पटेल की बाहनी आंख के ऊपर चोट लग गई तथा चालक विजेंद्र यादव के हाथ में चोट लग गई। दोनों सिपाहियों ने अपने को ना देख हसी पुत्र यूनुस को भीड़ से बचाते हुए किसी तरह से जान को भी बचाते हुए CHC महमूदाबाद ले आए। गांव वालों की मारपीट में यूनुस के सिर में चोट लग गई थी, जिससे खून बह रहा था। आपको बताते चलें कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो हिस्ट्री शीटों के छक्के छूट गए थे, मगर आज सेखवापुर गांव में जो कांड डायल 100 के सिपाहियों के साथ हुआ है वह क्षमा के लायक नहीं है। इससे ये लगता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। बड़े ही शौम की बात है, जब रक्षकों पर इस तरीके से गांव की जनता हमला करेगी तो क्या होगा कह पाना मुश्किल होगा। केवल कानून बना देने से कुछ नहीं होता जब तक कानून का कड़ाई से पालन नहीं होगा। नए कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर डायल 100 वाले सिपाहियों को खुले अवसर नहीं दिए जाएंगे तो आने वाले समय में इन सिपाहियों के साथ क्षेत्र में क्या होगा तथा कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। डायल 100 वाले सिपाहियों के पास न तो आत्मरक्षा हेतु पिस्टल है और न ही हाथ में डंडा है। खाली हाथ मौके वारदात पर पहुँचना और अपना कर्तव्य निभाना, भले ही सिपाहियों की जान क्यों न चली जाए।